हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल इलू संधान में स्वागत है। इलू संधान टेस्ट सीरीज करेंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज प्रारंभ की है, जिसके तहत सप्ताह में 2 दिन बुधवार और रविवार को 20-20 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये सारे प्रश्न पत्र विगत 1 वर्षों के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स पर आधारित है। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कराया जा चुका है, जिसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल इलू संधान टेस्ट सीरीज से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3 को देखेंगे, जिसका PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न पूछा गया है कि 15 अगस्त 2020 तक लाल किले पर सर्वाधिक बार ध्वजारोहण करने वाले निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को अवरोही क्रम में सजाएं: मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी। यानी ये जितने भी प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने अभी तक कितनी बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया हुआ है, उनका क्रम सजाना है। जो सबसे अधिक बार सजाए होंगे वे पहले होंगे। जिसका सही उत्तर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इंदिरा गांधी टोटल 16 बार, मनमोहन सिंह टोटल 10 बार, नरेंद्र मोदी अभी तक 7 बार और अटल बिहारी वाजपेयी टोटल 6 बार लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस देश में फंसे भारतीय नागरिकों को वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लाने के क्रम में एयर इंडिया का विमान अगस्त 2020 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह दुर्घटनाग्रस्त केरल में हुआ था। आपके ऑप्शन है दुबई, फ्रांस, दोहा और सिंगापुर। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दुबई। पिछले साल 2020 में जब कोविड सिचुएशन हुआ था, तो बहुत सारे भारतीय विदेशों में फंसे हुए थे, उनको भारत में लाने के लिए भारत सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन को आरंभ किया गया था, जिसके तहत उन सारे लोगों को एयरलिफ्ट कर इंडिया में लाया जा रहा था। उसी के क्रम में एक विमान जो कि दुबई से भारत लौट रही थी, वह एयर केरल में जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया, राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किसने किया था? आपके ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, प्रणव मुखर्जी, अनुग्रह नारायण सिंह और PA संगमा। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रणव मुखर्जी। प्रणव मुखर्जी जिसका देहांत अगस्त 2020 में हो गया था, जब उन्हें 1980 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी, तो उसके मंत्रिमंडल में प्रणव मुखर्जी एक अच्छे चेहरा के रूप में जाना जाता था। परंतु जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, उसके बाद में कांग्रेस में ये अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे थे। इन्हों कांग्रेस में वह स्थान नहीं मिल रहा था जो कि इंदिरा गांधी के समय में हुआ करता था। इसी से नाराज होकर उन्होंने 1986 में एक अपनी अलग पार्टी की स्थापना किया, जिसका नाम रखा था राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी। परंतु बाद में 1989 में इस पार्टी का विलय इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि किसानों को पूरक आय प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू किया गया था? जिसके ऑप्शन दिए गए हैं जनवरी 2019, अक्टूबर 2018, दिसंबर 2018 और फरवरी 2019। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 2018। इस योजना का क्रियान्वयन जो है दिसंबर 2018 में ही किया गया था, और इसके लिए राशि का आवंटन जो है 2019 में पेश किए गए अंतरिम बजट में किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और दिसंबर 2018 में ही इस सम्मान निधि योजना की शुरुआत कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, अभी तक कितने भारतीय खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? ऑप्शन है 4, 3, 5 और 2। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। अभी तक केवल 4 ही भारतीयों को जो वैसे खिलाड़ी है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। इसे पहले व्यक्ति थे वे थे सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 1998 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके ठीक 10 वर्षों के बाद महेंद्र सिंह धोनी को भी यह पुरस्कार दिया गया, और उसके ठीक 10 वर्षों के बाद विराट कोहली को भी 2018 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और हाल ही में रोहित शर्मा को भी 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि विश्व का कौन सा केंद्रीय बैंक ऐसा पहला मौद्रिक अधिकरण बन गया है जिनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है? आपका ऑप्शन दिए गए हैं फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया, एयरटेल पोस्ट पेमेंट बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आधिकारिक ट्विटर जो हैंडलर है वहाँ पे टोटल फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुँच चुकी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के परभणी जिले में एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का स्थापना किया जा रहा है। ये बता दें वहाँ पे जय भवानी महिलाओं की एक सहकारी संस्था है जो कि कपड़ा मिल के तौर पे काम करती है। यह कपड़ा मिल एशिया की पहली ऐसी मिल होगी जिसमें यह सुविधा प्रदान की जाएगी, और साथ ही साथ इसके लिए अनुमानित खर्चा जो बताया गया है 10 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि निम्न में से कौन जैव आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। ऑप्शन है पन्ना टाइगर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व और उपरोक्त में से सभी। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, इन्हें हाल में ही 2020 में यूनेस्को को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। साथ ही साथ अगर आप बता दें पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है, इसे 2009 में यूनेस्को को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था। और साथ ही साथ अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में अवस्थित है, ये 2012 में इसको शामिल किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया कि हाल ही में कौन सा देश अपने आप को मुक्त आकाश निगरानी संधि ओपन स्काई ट्रीटी से औपचारिक रूप से हटने की घोषणा किया है, जिसका ऑप्शन दिया गया है अमेरिका, रूस, फ्रांस, अमेरिका और रूस दोनों। ओपन स्काई ट्रीटी होता क्या है? ये एक संधि है जो कि 2002 में किया गया था। इसके तहत इस संधि से संबंधित जो सदस्य देश है वे अन्य सदस्य देशों में निगरानी वायुयान को भेज सकता है, ठीक है। तो इस संधि से हाल ही में जो है दो देश अलग हो गए हैं, वे कौन कौन है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि अमेरिका और रूस। अमेरिका और रूस जो है दोनों इस संगठन से औपचारिक रूप से अपने आप को हटा लिया है। अगर बात करते हैं इस संधि की अवधारणा की, तो इस संधि की अवधारणा शीत युद्ध की शुरुआती दौर के दौरान अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने प्रस्तुत किया था, और साथ ही साथ 2002 में इस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। इस संधि के अनुसार किसी सदस्य देश पर निगरानी विमानों को उड़ान हेतु संबंधित देश को कम से कम 72 घंटे पूर्व इसकी सूचना दी जानी अनिवार्य है कि हाँ मैं आपके देश में अपने निगरानी विमान को लाने वाला हूँ, वो आप जो है स्थिति का जायजा ले लीजिए। और साथ ही साथ इस संधि के शर्तों पर यह भी कहा गया है कि कोई भी सदस्य देश 96 घंटा से अधिक निगरानी की अनुमति के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी मैक्सिमम जो आवर होंगे वो 96 घंटा ही होंगे, उसके अंदर में ही जो टोही दल होंगे उनको लौटना होगा। अमेरिका 2020 में इस संधि से अलग हो गया था, इसी के परिणाम स्वरूप रशिया को भी इस ओपन स्काई ट्रीटी से औपचारिक रूप से हटने का अवसर मिल गया, और 2021 में 15 जनवरी 2021 में यह अपने आप को इस संधि से हटा लिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है सीटमैक्स 20 सैन्य अभ्यास में भारत के अलावा और कौन दो देशों ने हिस्सा लिया। ऑप्शन है सिंगापुर थाईलैंड, सिंगापुर किर्गिस्तान, थाईलैंड म्यांमार और श्रीलंका और म्यांमार। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर और थाईलैंड। सीटमैक्स 20 सैन्य अभ्यास हाल ही में नवंबर 2020 में अंडमान सागर में किया गया था, जबकि इसका पहला संस्करण सितंबर 2019 में किया गया था, जिसमें इन देशों ने भाग लिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न कलाकृतियों में कौन सही है? एक तरफ कलाकृति दिया गया है और साथ ही साथ उसकी ऊंचाई दिया गया है। पहला ऑप्शन है स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर, स्टैचू ऑफ पीस 151 मीटर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर और एफिल टावर 300 मीटर। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? स्टैचू ऑफ पीस की जो लंबाई है वो दिया गया है 151 मीटर, जो कि गलत है। स्टैचू ऑफ पीस की ऊंचाई 151 इंच है। श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 191वीं जयंती पर नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस प्रतिमा का अनावरण जो है राजस्थान में किया था और इसकी ऊंचाई कितनी है? 151 इंच है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है 182 मीटर है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क में है इसकी ऊंचाई 93 मीटर है, और एफिल टावर जो कि फ्रांस में है जिसकी ऊंचाई जो है 300 मीटर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है द आइस बॉक्स के लेखिका कौन है।
ऑप्शन दिया गया है लेखक और लेखिका, ठीक है। ऑप्शन दिया गया रामचंद्र गुहा, डगलस स्टुअर्ट, बराक ओबामा और जेके रॉलिंग। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग लेखिका, ये जो है द आइस बॉक्स की लेखिका है। साथ ही अगर बात करते हैं हैरी पॉटर का, तो हैरी पॉटर सीरीज भी जो है जेके रॉलिंग ने लिखा था। इनकी कहानियां मुख्य रूप से परियों की कहानी पर आधारित होती है, जो कि बच्चे और जो चिल्ड्रन यंग गाइस जो होते हैं उनके लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। तो हाल ही में इनकी एक पुस्तक आई है द आइस बॉग, जो कि मुख्य रूप से फेरी टेल ही है और यंग बॉयज के लिए, बॉयज एंड गर्ल के लिए जो है फेमस है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सियोल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है बानकी मून, थॉमस बाघ, शिंजो आबे और नरेंद्र मोदी। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बाघ। थॉमस बाघ को 2020 के लिए सियोल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। थॉमस बाघ आपको बता दें अभी ये क्या है, ओलंपिक के अध्यक्ष भी है और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी को 2019 में, 2019 का सियोल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है नए संसद भवन का आकार कैसा होगा? आपके ऑप्शन है आयताकार, त्रिभुजाकार, चतुष्फलकीय और आयताकार। जिसका दो दो आयताकार है, ठीक है, एक ऑप्शन चेंज कर लेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिभुजाकार, ठीक है। जो नए संसद भवन बन रहे हैं उसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसके लिए जो बोली लगी थी इसमें सबसे कम बोली 970 करोड़ का टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने लगाया था और ये बिड्स को जीता था। साथ ही साथ बता दें इसको कंप्लीट करने की जो अवधि दिया गया है 2022 तक इसे कंप्लीट करने की बात कही गई है और यह जो है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रथम ग्लास ब्रिज कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है बिहार, मेघालय, असम और सिक्किम। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम, ठीक है। जो राजगीर में जो ग्लास ब्रिज हाल में ही बना हुआ है वह जो है उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज हो सकता है, परंतु अगर बात करते हैं भारत का प्रथम ग्लास ब्रिज तो ये जो है सिक्किम में स्थित है, जो कि पेलिंग में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 जनवरी 2021 में भारत को 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद की अस्थायी सदस्यता मिली है। अभी तक भारत को कुल कितने बार इसकी सदस्यता मिली है, यानी अस्थायी सदस्य के तौर पे अभी तक कितने बार जो है मौका मिला है भारत को? तो ऑप्शन दिया गया है 8, 7, 9 और 10। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अभी तक 8 बार भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता प्राप्त हुए हैं। साथ ही बात करते हैं तो टोटल सदस्य देशों की संख्या इसमें जो है 15 होती है, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं जबकि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों की बात करें तो भारत के अलावा आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, इस्तोनिया, नाइजर, ट्यूनिशिया, वियतनाम और सेंट विंसेंट एवं ग्रेनाडाइन जैसे देश शामिल हैं, जबकि अस्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन पड़ोसी राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत से अधिक मजबूत स्थिति में है? भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये चारों पड़ोसी देशों में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा देश भारत के अपेक्षा मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक में अधिक मजबूत स्थिति में है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। 189 देशों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया था, जिसमें श्रीलंका को 72वां स्थान प्राप्त हुआ है जबकि भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है देश की पहली चालक रहित, यानी बिना चालक वाला, बिना ड्राइवर का, बिना यानी चालक रहित मेट्रो ट्रेन का परिचालन किस मेट्रो द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन है दिल्ली मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, कोलकाता मेट्रो और जयपुर मेट्रो। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली मेट्रो द्वारा जो है हाल ही में पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का परिचालन किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है जनता दल यूनाइटेड के नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है नीतीश कुमार, उमेश कुशवाहा, विजय कुमार सिन्हा, रामचंद्र प्रसाद सिंह। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र प्रसाद सिंह। रामचंद्र प्रसाद सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जबकि उमेश कुशवाहा बिहार में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो बात करते हैं विजय कुमार सिन्हा का, तो विजय कुमार सिन्हा अभी बिहार विधान सभा के स्पीकर हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में
51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस अभिनेता को देने की घोषणा किया गया है? आपके ऑप्शन है कमल हसन, धर्मेंद्र, रजनीकांत और अजीत, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रजनीकांत। रजनीकांत को हाल ही में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया गया है। आपको बता दें कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 से प्रदान किया जा रहा है, जिसका पहला पुरस्कार जो दिया गया था भारतीय सिनेमा की पहली महिला जो देविका रानी थी उनको यह पहला पुरस्कार दिया गया था। इस प्रकार से आज का वीडियो सेशन समाप्त होता है। आपको यह वीडियो सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में अधिक पेड सेट भी उपलब्ध कराया जाएगा और फ्री सेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ईरुसंधान टेस्टरी से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।